एक कमलनाथ को कभी पूछिए गलती से आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, दिग्विजय सिंह भी नहीं आएगा, इनके चुंगे उंगे घूमते रहेंगे, वो भी झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे। इनको पूछना कि तुमने कहा था जब 2018 में तुम्हारी 15 महीने की सरकार बनी थी, आपने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, एक रुपया किसी किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? ताकत से बताओ, हुआ क्या? अरे इन झूठों को पता लगना चाहिए, हुआ क्या? बल्कि किसान कर्जे में ब्याज में डूब गया और किसान डिफॉल्टर हो गए, बैंक ने कर्जा देना बंद कर दिया। मेरे बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनकी 15 महीने की सरकार गिरी, जनता की आवाज से गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चौथी बार। तो जो हमने इन्होंने पाप किया था, किसान जो कर्ज में डूब गए थे, डिफॉल्टर हो गए थे, मुझे बताने में गर्व है 2200 करोड़ रुपए किसानों के ब्याज को माफ करने का किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने किया। किसानों को डिफॉल्टर से नॉन डिफॉल्टर बनाया जिससे उन्हें बैंक से कर्जा मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं थी, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, कन्यादान योजना में कहा गया था हम 25,000 रुपए उनको देते थे और इन्होंने कहा था, कमलनाथ जी ने नहीं, हम तो 51,000 देंगे। लेकिन 15 महीने की सरकार चली गई लेकिन किसी भी बहन और भांजी को 1 रुपया कन्यादान योजना में नहीं दिया। लेकिन आज मुझे बताने में गर्व है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, कन्यादान योजना के अंदर 55,000 रुपए अब डायरेक्ट इधर उधर नहीं, 55,000 का चेक मेरी बहन के खाते में जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बच्चों की पढ़ाई के लिए लैपटॉप और स्कूटर देने की बात थी, इनने सारी योजनाओं को बंद कर दिया था, कन्यादान योजना भी बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी भी बंद कर दी थी। अरे इन्होंने तो, जो हमारे बुजुर्ग यात्रा करने जाते थे, तीर्थ दर्शन करने जाते थे, जिनकी इच्छा होती थी मेरे जीवन के अंतिम समय में चारों धाम यात्रा करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चारों धाम की तीर्थ दर्शन यात्रा कराती थी, कमलनाथ ने आकर के बंद कर दी थी। अरे कभी पूछिए इन बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? कमलनाथ जवाब दो, मिस्टर करप्शन नाथ जवाब दो, मिस्टर बंटाढार जवाब दो, ये जवाब नहीं दे सकते थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना मेरे जैसे बेटे के लिए धर्म है और पुनः तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मेरे बहनों और भाइयों, सिलावत के भाइयों सुन लेना, बड़वानी के मेरे भाइयों सुन लेना, आदिवासी भाइयों, अब यात्रा केवल बस और ट्रेन से नहीं होती, अब तो हवाई जहाज से भी यात्रा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कभी ये आए तो इनसे पूछना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर, कोई गरीब आदिवासी भाई और बहन गांव के अंदर रहता है, झोपड़ी में रहता है, उसका भी सपना है कि मुझे भी मेरा मकान स्वयं का हो जिसमें मेरे बच्चे रह सके। आदिवासी स्वाभिमानी होता है, लेकिन आजादी के 75 वर्षों में पूछिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, इस पूछिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से, तुमने 55 वर्ष राज देश पर किया, कोई गरीब झोंपड़ी में रहता है तो आपने कभी उनकी चिंता की थी क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी। उन्होंने कहा था 2014 में, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है। और आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, एक गरीब बेटा देश का प्रधानमंत्री बनाए तो अब इस देश के अंदर कोई गरीब झोंपड़ी में नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को उसका मकान देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। यहां इतने सरपंच बैठे, सरपंचों को पता होगा कौन से गांव में कितने प्रधानमंत्री आवास मिले। और मेरे भाइयों और बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं,
400 तो इन्हीं के पंचायत में मिले हैं। ऐसे हर पंचायत के अंदर, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, ये कोई झूठ बोलने वालों की सरकार नहीं है, ये तो जो कहा है वो किया है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ दिनों पूर्व कह दिया है, हो सकता है कुछ लोग बच गए होंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घर देने का काम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं इस सभा के अंदर, हम तो सामान्य परिवारों के लोग हैं, हम में से कोई बीमार हो जाता है, मैं भी सामान्य किसान परिवार का बेटा हूं, मैं भी एक सामान्य गरीब किसान परिवार का बेटा हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, सांसद बना करके भेजा है, मैंने उस गरीबी को देखा है कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए और बीमार हो जाए डॉक्टर कह दे 1,00,000 रुपए लगेंगे, ऑपरेशन होगा, मुझे जरा ईमानदारी से बताना, अगर डॉक्टर कह दे कि 1,00,000 रुपए लगेंगे और ऑपरेशन आपके भाई का, आपके बेटे का, आपकी बेटी का, परिवार का, भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर गलती से कुछ हो जाता है तो क्या हम में से कोई एकदम 1,00,000 रुपए दे सकता है क्या? जरा बताओ, दे सकता है क्या? एक आध कोई सक्षम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर आदमी क्या करेगा, इधर उधर जाएगा, किसी साहूकार के पास जाएगा, किसी बड़े आदमी के पास जाएगा, कहेगा कि भैया मुझे मेरा बेटा बीमार हो गया है, ऑपरेशन होगा, पैसे चाहिए, वो कहेगा जमीन लिख दे, वो कहेगा गहना रख दे, साहूकार कहेगा ये कर दे, बोलो करता है कि नहीं करता है? लेकिन चूंकि अपने परिवार के बेटे और बेटी का, किसी व्यक्ति का, मैंने कहा कि भगवान किसी को बीमार न करे, लेकिन गलती से हो जाता है तो पैसा जब नहीं होता, और हमारा आदिवासी भाई बहन तो बहुत स्वाभिमानी होता है, जब पैसा नहीं है, साहूकार हमें दे नहीं रहा है, तो आदिवासी भाई और बहन कहता है कि भगवान बड़े देव पर छोड़ दो, अब पैसा नहीं है तो क्या करें, भगवान जो करेगा वो होगा, और आदमी का जीवन चला जाता है। अरे आजादी के 75 वर्षों में 55 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया, पूछिए इन झुके हुए कांग्रेसियों से, अरे आजादी कितने साल तुमने राज किया था देश पर? कोई गरीब बीमार हो जाए, पैसे के अभाव में लाश से वंचित होता है, उसका जीवन चला जाता है, इसके बारे में आपने क्या विचार किया था? लेकिन मेरे बहन और भाइयों, आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, देश के किसी भी कोने में अगर कोई गरीब बीमार हो जाए, तो मोदी जी ने कहा कि मैं गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, मेरे शासनकाल में मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, कोई भी गरीब अब इस देश के अंदर पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया कि देश के अंदर हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड योजना में 5,00,000 रुपए का 1 वर्ष के अंदर फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया जाएगा। और जब व्यक्ति बोल देता है, जब कभी डॉक्टर कहता है कि 1,00,000 लगेंगे ऑपरेशन होगा, तो मेरा भाई ऐसे दिलेरी से कार्ड निकालता है और कहता है कि डॉक्टर मेरे पास प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है, इसमें 5,00,000 रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार है। डॉक्टर लेता है, उसका ऑपरेशन होता है और व्यक्ति का जीवन बच जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह झूठ बोलने वालों की सरकार नहीं है। आदिवासी के घर में भी गैस कनेक्शन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? पहले गैस कनेक्शन कौन के घर में आता था? बड़े बड़े साहूकारों के घर में। सांसद विधायक गैस का कूपन देते थे, सिफारिशें लगती थी, ब्लैक में करते थे। ये मैं केवल भाषण देने के नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एक मेरे भाई और बहन की दिल की आवाज बोल रहा हूं। हमारी बहनें, मैंने भी अपनी मां को देखा है, पूरे परिवार के लिए खाना बनाते हुए लकड़ी पर, धुएं पर कितना उसके शरीर में धुआं जाता था, माताएं बहनें कैसे पीड़ित होती थी। लेकिन जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना,
तो नरेंद्र मोदी को बहुत दर्द पता था उस मां का, क्योंकि बहनें देर रात होने के कारण से चली गई हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमने भी देखा अपने परिवारों को बहनें कैसे प्रताड़ित होती हैं। मोदी जी ने कहा कब इस देश के अंदर कोई भी गरीब मां अब लकड़ी पर खाने के धुएं से पीड़ित नहीं होगी। और आज मैं गर्व से कहता हूं, उज्ज्वला योजना में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 13 करोड़ से ऊपर परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया है। और अभी रक्षाबंधन पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 78 लाख नए गैस कनेक्शन कोई बचा है तो उन भाई और बहनों को भी देने का काम करेंगे। अब ये कांग्रेस ही कहते थे, अरे गैस कनेक्शन दे दिया तो क्या हो गया, सिलेंडर कहां से लाओगे, सिलेंडर तो महंगा हो गया है। मेरे बहनों और भाइयों, आज आपको मैं गर्व से कह सकता हूं, रक्षाबंधन के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया उज्ज्वला योजना के हमारे गैस कनेक्शन धारकों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर करोड़ों करोड़ उपभोक्ताओं को कह दिया कि 200 रुपए अब प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर पर कम करके और उज्ज्वला योजना में 400 रुपए कम करके भारत के अंदर गरीबों के लिए उन्हें सौगात देने का काम किया है। ये केवल कहने वाली सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मेरे बहनों और भाइयों, गांव गांव के अंदर विकास, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए। आज आप मुझे बताइए, मेरी बहनें आज यहां है नहीं क्योंकि इतनी देर रात हो गई है, लेकिन आपको भी समझ में आ रहा होगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों को लखपति बनाया। लाडली लक्ष्मी में 45 लाख 46 लाख बेटियां लखपति बन गई। बेटी अब वरदान है। आदिवासी भाई और बहनों को तो मैं गर्व करता हूं, दुनिया के बड़े बड़े लोग बेटियों को पैदा करने में सोचते थे, लेकिन आदिवासी भाई और बहन बेटी को वरदान मानता है, वरदान कभी बेटी को रोकता नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटी लाडली, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी लखपति बन गई तो उसकी मां ने क्या बिगाड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि अब लाडली बहना योजना शुरू करेंगे और हर बहन के खाते में 1000 रुपए डालेंगे। बोलो मेरे भाई और बहनों, पिछले 3 माह से लगातार 1000 रुपए आपके खाते में, बहनों के खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ताकत से बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद 1250, तो अभी जो किस्त आई वो 1250 की आई, अगले महीने 1500-1250, फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1500, फिर कहा कि 2000, फिर कहा कि 250, 2000-2500, फिर उसके कहा कि अंत में ये राशि 3000 रुपए तक लेकर के जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर घर में 3 बहना है ना तो 3ों को मिलेगा, अगर 4 है तो 4ों को मिलेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही बात करने के लिए आया हूं। लाडली बहना योजना में 1000 रुपए आपके खाते में 1250 आए, किसान सम्मान निधि में 6000 प्रधानमंत्री के आए, 6000 मुख्यमंत्री के आए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको 6000 रुपए जब खाते में आए या 1000 रुपए बहनों के खाते में आए, तो कोई दलाल और बिचौलिए ने एक पैसा किसी से लिया है क्या? अरे ताकत से बताओ, लिया है क्या? लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा हम गरीब के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, गरीब तब केवल 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन गर्व है, जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो नरेंद्र मोदी ने गाना नहीं गाया,
नरेंद्र मोदी जी ने पीड़ा व्यक्त नहीं की, नरेंद्र मोदी ने कहा मुझे गरीबी का दर्द पता है। और ये दलाल और बिचौलिए कांग्रेस के नेता घूमते रहते हैं, और यही दलाल और बिचौलिए बनकर के जो राजीव गांधी कहते थे 85 खा जाते हैं, 15 गरीब तक पहुंचता है। मैं इस व्यवस्था को बदल दूंगा। और जनधन अकाउंट खुले थे, आपके भी खुले होंगे, तब ये कांग्रेसी मजाक उड़ा रहे थे, ए मुख्य प्रधानमंत्री क्या करने वाला है, कितने पैसे डालेगा, क्या हो जाएगा अकाउंटों से। लेकिन विजनरी नेतृत्व जब आता है तो मेरे बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 48 करोड़ परिवारों के, आज प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले, और जनधन अकाउंट खोलने के बाद तय कर दिया कि दिल्ली से या भोपाल से किसान सम्मान निधि हो, या लाडली बहना योजना हो, या लाडली लक्ष्मी योजना हो, या कन्यादान योजना हो, या कोई भी योजना में एक भी पैसा जाएगा तो इस भारत के अंदर दलाल और बिचौलिए नहीं होंगे। एक क्लिक के माध्यम से मेरे गरीब के खाते में एक रुपया चलाए तो एक रुपया ही पहुंचेगा। इसलिए मेरी बहन को अगर 1250 मिल रहे हैं तो 1250 ही मिल रहे हैं, एक पैसा कम नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। अगर देश के अंदर गरीबों के खुशी लानी है, गरीबों के जीवन में, हमारी बहनों की आंखों के अंदर अगर खुशी लानी है, हर गरीब के जीवन में बदलाव लाना है, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, हर गरीब के साथ ताकत के साथ खड़े हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, केंद्र में मोदी जी के लिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, और बड़वानी में पुनः विधायक को ताकत से जिताने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। क्योंकि मोदी जी अब दुनिया के अंदर जाते हैं और भारत का, मोदी जी का मान और सम्मान होता है, तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? हमारे प्रधानमंत्री जब मीडिया में देखते तो हमें आनंद आता है कि नहीं आता है? हमारे सैनिकों को पहले पाकिस्तान सीमा में घुसकर के सैनिकों के सर कलम करके उनसे फुटबॉल खेलता था, और हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता था कि बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम करेंगे कुछ। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज मेरे नौजवान भी बड़ी संख्या में बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, नरेंद्र मोदी बनने के बाद सीमा पर सेना को कह दिया गया अब कोई मेरे सैनिक पर, मेरे देश की भूमि पर पैर रखने का प्रयास करेगा तो आपको अधिकार दिए जाते हैं, आपको दिल्ली आकर के अधिकार नहीं लेना है। तो उसके बाद एक बार उरी के अंदर हमला हुआ हमारी सेना पर, तो सेना ने दिल्ली आकर के आदेश नहीं किया, सेना ने कहा कि तुमने धोखा किया हमारे सैनिकों पर हमला करके, इसका जवाब एक हफ्ता नहीं लगा, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस करके अपने सैनिकों का बदला लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अब विस्फोट नहीं होते, देश के अंदर पहले विस्फोट होते थे, कई मुंबई में शंकरावत विस्फोट हो गए, दिल्ली स्टेशन पर हो गए, बनारस में हो गए, अक्षरधाम में हो गए, आतंकवादी घुसते थे और विस्फोट करते थे, क्योंकि नेतृत्व कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद आप मुझे ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, देश के किसी कोने में कोई विस्फोट अब होता है क्या? अरे बताओ, होता है क्या? इसलिए नहीं होता, उन्हें पता है कि अगर हमने कान फड़काया तो गोली कान में तो पड़ेगी, खोपड़ी पर भी पड़ेगी। अब मोदी जी का नेतृत्व तो है। तो मेरे बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा के लिए, देश के मान और सम्मान के लिए, भारत को दुनिया के अंदर आगे ले जाने के लिए मोदी जी का नेतृत्व तो चाहिए। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, और बड़वानी से लेकर बड़वानी के जिले में मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, एक नहीं चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी, ये संकल्प दिलाने के लिए आया हूं।
ये चोर और उचक्के अपराधीकरण प्रवृत्ति के केवल एक ही काम कांग्रेस ही करते हैं, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, आएंगे आपको बताएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वो आता है ना कि शिकारी आता है, चाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये कांग्रेस ही यही करेंगे जो 15 महीने की सरकार में किया था। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन को ऊंचा बढ़ाने के लिए, आपके साथ संबल के साथ खड़े होने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपके बीच आया है। आपका जन आशीर्वाद मांगने के लिए आप 2023 के चुनाव में, 2024 में मोदी जी को और 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम चारों की चारों सीटें जीतें और यहां पर निर्माण के क्षेत्र में जीत का इतिहास बनाएं। और ये कहा जाता है कि विजय का रास्ता निर्माण और बड़वानी के क्षेत्र से निकलता है। तो मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और बड़वानी की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल करके देश के गरीब के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और भारत के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें चाहिए। इसके लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हुए आज संकल्प लें। बोलिए मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ की चारों सीटें जिताने के लिए हम सब तैयार हैं। इन झूठ बोलने वाले कांग्रेसियों को जवाब देंगे तो खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए जो मेरे भाई और बहन खड़े हैं। आप सब लोग ताकत के साथ मुट्ठी बांधिए, आप स्वाभिमानी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, आपको ताकत से मुट्ठी बांध करके ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दुनिया के माँ झूठे हैं, हमेशा झूठ बोलेंगे, इन्हें ताकत से जवाब देना है। बूथ बूथ पर चारों सीटें निमाड़ के अंदर इतिहास और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक बहुमत से जिताएंगे। बोलिए, तेजी से बोलिए, जिताएंगे। तो भारत माता का जय का नारा लगा करके संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, ख्वाजा नायक की, भीमा नायक की।